हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीफा का किचन। आज अपने किचन में बनाएंगे हम शाही पनीर। इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, बट जब पनीर बनाना है और शाही बनना है तो इसके लिए हम असली घी का ही इस्तेमाल करेंगे। तब चलिए हम अपनी फ्लेम फुल करते हैं। ये देखिए घी हमारा मेल्ट हो चुका है। जब ये थोड़ा सा तेज गर्म हो तब इसमें मैं ये पनीर डालूंगी, जो कि पनीर 250 ग्राम है। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं, मैंने इस पनीर को शेप में काटा है। ये देखिए घी हमारा प्रेट हो गया। अब इसमें जो है हमारा ये पनीर डाल देंगे हम इसे हाई फ्लेम पे सोते करेंगे। अगर हमने इसकी लो फ्लेम कर दिया तो ये चिपक जाएगा कढ़ाई में। तीन मिनट में ये सौते हो जाएगा। इसे गोल्डन फ्राई हम करेंगे, इसे इसलिए फ्राई कर लेते हैं, कच्चा डालना इसलिए ठीक नहीं रहता, जिससे इसके जेरोसीम होते हैं वो मर जाएंगे, तो ये हार्मफुल नहीं रहेगा। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये पनीर हमारा इस टाइप से गोल्डन नहीं हुआ, और हम इसे निकाल लेंगे अलग प्लेट में। आउच, इसमें से तो बहुत छींटे उड़ रही हैं। अब इस मोमेंट में हम ये गरम मसाला डालेंगे, जो कि मैंने 2 बेलीफ लिए हैं और 4-5 काली मिर्च और ये छोटी इलायची ली, ये भी हम डाल देंगे इसमें। और ये हमने बीच में से चटका दिया जिससे इसका फ्लेवर निकल आए। इसी मोमेंट में हम प्याज डालेंगे जिससे प्याज की स्मेल निकल जाए। तो मैंने ये 2 बड़े प्याज लिया था, इसे एक फाइन पेस्ट बना लिया है। इसे हाई फ्लेम पे हम भूनेंगे। सबसे पहले हमें प्याज भूनना होता है क्योंकि इसमें एक फ्लेवर होता है जो कि अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए सबसे पहले हम प्याज भूनेंगे करीब 5 मिनट बाद। उसके बाद हम और कोई सामान डालेंगे। ये देखिए इसे 5 मिनट तक भूनेंगे हम। ये देखिएगा वहां जब तक हमारा प्याज भून रहा है तब तक इस पनीर में हम पानी डाल देंगे करीब 1/2 कप के करीब, जिससे इसका सॉफ्टपन बरकरार रहे। अगर इसका पानी नहीं डालेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे सॉफ्ट करने के लिए हमने इसमें करीब 1/2 कप पानी डाल दिया है, और एक दूसरी लिड से हम इसे कवर कर देंगे जिससे इसकी स्की स्ट्रीम उड़े नहीं, और ये तो छोटी है जिससे इसकी स्ट्रीम नहीं उड़े और ये सॉफ्ट बना रहे। ये देखिए ये लिड तभी हटेगा जबकि हमारा प्याज फ्राई हो जाएगा, मतलब एंड लास्ट में जब हम वो पनीर डालेंगे कढ़ाई में। अब यहाँ आ जाइए, ये हमारा पनीर वो पनीर रख दिया है। प्याज हमारी 5 मिनट हो चुके हैं इसे। अब इस मोमेंट में हम टमाटर डालेंगे, जो कि मैंने 4 बड़े टमाटर लिए थे, मीन 2 बड़े थे 2 मीडियम साइज थे। इसकी मैंने एक बेहतरीन प्यूरी बना ली है मिक्सर में इस टाइप से, और वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसे भी करीब 5 मिनट भूनेंगे, और जब ये छींटे उड़े तो इसके लिए आप इसे ऐसे कवर कर देना इस टाइप से, तो ये छींटे जो है वो आपके ऊपर नहीं आएंगे। 3 मिनट हो गए। अब इस मोमेंट में हमने 2 चम्मच लहसुन और 2 चम्मच गार्लिक का पेस्ट, मैंने ये होममेड है तो मैंने पीसा है, आप इसका इस टाइप से रखना। 2 चम्मच आप जिंजर पेस्ट लेना, 2 चम्मच आप गार्लिक पेस्ट लेना। इस मोमेंट में आप ये वाला पेस्ट डाल के भी करीब 10 मिनट के लिए सौते करना, तब तक कि ये एक ग्रेवी सी नहीं हो जाए। इसके लिए आप कभी हाई फ्लेम लो फ्लेम, और जब ये चीजें ज्यादा उड़े तो आप इस पे इस टाइप से हाफ फ्लेम कवर कर देना, जैसे कभी ऐसा कभी ऐसा अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं और अभी इसमें से तेल रिलीज नहीं हुआ, तो इस टाइम हम ये सामान डालेंगे, जो कि 1/2 चम्मच धनिया है और थोड़ा सा हल्दी है इसमें, 1/4 चम्मच, और ये शिमला कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, ये लाल मिर्च है, और ये नमक है। आप इतना ध्यान रखना इसमें ना ही हल्दी ज्यादा डालना
आई मीन इसमें आधा चम्मच भी नहीं डालना इतनी ग्रेवी में, और धनिया भी आधा चम्मच लेना है, और हल्दी हमने आधे से कम चम्मच ली है, नमक अपने अकॉर्डिंग, मिर्च अपने अकॉर्डिंग, मगर इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है जिससे कलर बहुत प्यारा आता है, और इसे फ्लेम फुल कर दिया। ओ माय गॉड, इसमें से छींटे बहुत उछल रही हैं, इसके लिए हमें इससे बार बार हमें पैन ढकना पड़ रहा है। ये करीब हमें 10 मिनट करना है जब तक कि ये एक फाइन ग्रेवी ना बन जाए। अब इस मोमेंट में हम ये 5 मिनट हो गए हमारे, 5 से 6 मिनट, इसमें से हल्का सा आप देखिएगा घी रिलीज होने लगा, और इस मोमेंट में एक बड़ा प्याला हमने दही है जो मिक्स कर लिया था मिक्सर से, वो भी इसमें फेटा हुआ दही इसमें डाल लेंगे, और इसे लगातार चलाएंगे, फ्लेम फुल कर लेंगे हम। इसे भी करीब हमें 5 मिनट तक चलाना है जब तक इसमें से घी रिलीज ना हो। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा सौते हो गया, मसाला भी इसमें से घी भी रिलीज होने लगा। और तो इस मोमेंट में हम डालेंगे काजू के और किशमिश का पेस्ट, जो कि मैंने एक बड़ी ये छोटी प्लेट काजू ली है और ये किशमिश ली है, ये दोनों मिक्स करके हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। हमने आप चाहें तो टूटे काजू भी ले सकते हैं, तो जैसे मैंने पहले ही पेस्ट इसका बना के रख लिया है तो वो मैं डालूंगी। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी बनाना है तो ये देखिएगा ये मैं ऐसे इसका पेस्ट डालूंगी। आपको ज़्यादा ग्रेवी बनाना है तो आप पेस्ट बढ़ा सकते हैं, तो प्लीज़ आप धनिया पाउडर मत बढ़ाना क्योंकि इससे इसका फ्लेवर खराब आता है। तो इसे भी करीब 5 मिनट हम सोते कर लेंगे जिससे इसका घी रिलीज हो जाए इसमें से भी। ये देखिए 3 मिनट में ही हमारे ये सोते हो गया और इसके चारों तरफ से ऑयल रिलीज होने लगा, ये देखिएगा लाइट लाइट जैसे मैं आप देखते हैं। काजू सबसे लास्ट में इसलिए डालना है क्योंकि काजू को फ्राई होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसका एक बहुत माइल्ड फ्लेवर रहता है, इससे ज्यादा भूनना भी नहीं पड़ता और 3 मिनट में ही ये सेट हो जाता है। तो इस मोमेंट में हम डालेंगे एक बड़ा प्याला मलाई जो कि मैंने पहले से ही ग्राइंडर में रख लिया है। ये मलाई अगर आप चाहें तो अमूल फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। ये हम लास्ट मोमेंट में डालेंगे, इसे भी धीरे 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 अब हम लिड ढक्के से जब तक सोते होने देंगे तब तक कि इसमें से घी रिलीज ना हो, पहले से मिक्स कर दें अच्छी तरीके से। अब इसे हाई फ्लेम पे लिड ढक्के रख देंगे, जब इसमें थोड़े बबल आएंगे फिर उसके बाद हम इसे स्लो पे कर देंगे जिससे इसमें घी जो हमने डाला है जिस जो घी में बनाया है वो चारों तरफ कॉर्नर पे रिलीज होने लगे। देखिए ये इसमें घोल आ रहा है। इस मोमेंट में हम इसमें डालेंगे, हमने तवे में पहले ही कसूरी मेथी फ्राई कर ली थी ड्राई रोस्ट, वो हम इसमें डालेंगे जो कि 1 चम्मच है। इसे भी ऐसे 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 मिक्स कर देंगे और फिर फ्लेम हमने स्लो कर देंगे, और अब हम इसमें स्लो पे इसमें घी रिलीज होने तक इसे रख देंगे करीब 2 से 3 मिनट बस, जब तक ये स्लो आंच पे पनीर के थोड़े से चिप्स। आप अगर इससे ज्यादा ग्रेवी बनाती हैं तो इसके लिए आप काजू बढ़ा सकती हैं, किशमिश बढ़ा सकती हैं, प्याज टमाटर बढ़ा सकती हैं। आप अगर इससे दुगनी ग्रेवी चाहती हैं तो इसके लिए सिर्फ आप 1.5 चम्मच कोरिएंडर पाउडर लेना, आप ज्यादा नहीं लेना, धनिया इसका फ्लेवर खराब कर देता है। फिर भी आपको थोड़ा सा चाहिए तो आप इसमें मलाई दही टमाटर ग्रेवी बढ़ा सकती हैं, प्लीज आप इसमें वो मत बनाना कोरिएंडर पाउडर, और ना ही इसमें आप टर्मरिक पाउडर बढ़ाना क्योंकि इससे भी ज्यादा पीलापन इसे अच्छा नहीं लगता, इसका लुक खराब कर देता है। तो मैंने 1 चम्मच आधे चम्मच से कम मैंने हल्दी पाउडर लिया था और 1 चम्मच मैंने इसमें जैसे मैंने आपको दिखाया था अपने वीडियो में शुरू में मैंने 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर लिया है, और ये सारे सामान पे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देती हूँ, तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सामान रेडी कर लीजिएगा तब आप बनाएंगे, आपको बहुत इजी होगा और बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। प्लीज आप इसको डिश को जरूर बना के देखिए, मैंने भी बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है, ये रेसिपी तैयार की है, ये मेरी सेल्फ रेसिपी है और मैं भी चाहती हूँ आप बना के देखिए अपने घर पर
खिलाइए सब लोगों को, इंशाल्लाह आपके घर के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मेरे एक गले खराब होने की वजह से मैंने 4-5 करीब 6 दिन स्किप कर दिया था। अब क्या करे, डिमांड आने लगी कि दीजिए दीजिए, तो मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मुझे डिमांड के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ी। तो प्लीज रिक्वेस्ट यू, आप बना के देखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं और 3 मिनट में ही मेरे स्टेप से ये रिलीज होने लगा और ये तैयार है। अब गिरी भी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप इतनी गाढ़ी खाते हैं या पतली खाते हैं। तो मैंने जिस मिक्सर में मलाई फेंटी थी मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। ये देखिए आधा कप के ग्लास की गिरी, तो वो मैं इसमें डाल दूंगी, फ्लेम फुल कर दूंगी इसे भी थोड़ा सा। अब ये थोड़ा सा मैसी मैसी से कर लूंगी। इसके बाद जो मैंने पनीर पहले ही थोड़ा सा फ्राई करा था, इसे गोल्डन नहीं होने दिया और इसमें पानी डाल के ढककर रख दिया। इस मोमेंट में वो मैं डाल दूंगी। ओ माय गॉड, मैं भूल चुकी थी कि मैंने इसमें पानी डाला है और मेरा पानी दुगना हो गया। अब सॉरी यार, ये मेरी गलती, सेल्फ गलती है। तो आप एक्स्ट्रा पानी मत डालना, पनीर का ही पानी होगा। मैं भूल गई थी कि मेरे पनीर में भी पानी है। चलो ठीक है, मैं 3 मिनट में से थोड़ा सा ऐसे करके इसे सौते करती हूँ। मुझसे एक गलती हो गई आपसे बातें करने के चक्कर में, सॉरी यार। तब इसे 3 मिनट में करूंगी, तब तक ये अपने उसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा जैसे कि हमें चाहिए। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और इसमें से घी भी रिलीज हो चुका है। अब इस टाइम हम जो हमने कोरिएंडर लीव्स कट के रखी थी वो हम डाल देंगे और मिक्स कर देंगे इसको। चलिए अब सर्व करते हैं। चलिए अब हम सर्व करते हैं। आप बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी बना है। और आउच, मेरा गिर गया जमीन पे। प्लीज आप भी बना के देखिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें बटर डालेंगे। ये देखिए और ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला चुटकी पाउडर। बना के देखिए, खा के देखिए। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, तो प्लीज आप भी पनीर बना के देखिए, खा के देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। तो प्लीज मत भूलना सब्सक्राइब भी करना, और आप भी बनाइएगा। और तो फिर ठीक है, फिर हम मिलेंगे आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय फ्रेंड्स।